गाइस वेलकम टू आवर चैनल। आई एम श्वेता। आज मैं आपको एनालिसिस कराने वाली हूँ जीके पेपर जो एसएससी सीएचएसएल की है, जो कंडक्ट हुआ था 2 जुलाई 2019 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट साइड रूलर ऑफ डेली। तो आंसर क्या है, खिजर खान। तो यहाँ पे आपको और जी हिस्ट्री में कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर होने हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लीजिए, जैनिज्म, बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म के सारे काउंसिल याद करनी है आपको। ऐसे ही आपको और पढ़नी है सारे डायनास्टीज़ के फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम दैट वन सिल्वर एट द 2018 एशियन गेम्स। यहाँ पे आंसर है पायल चौधरी। ये स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर है, आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर अपडेटेड रहनी चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद चाइना। तो आंसर है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। कभी कभी क्या होता, जैसे एसटीडीए के पेपर में जब हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे छत्तीसगढ़ डज नॉट शेयर बाउंड्री विद विच स्टेट बोल के पूछ रहे थे। तो यहाँ पे कभी कभी स्टेट के पूछ लेते हैं, कभी कभी नेशनल लेवल बाउंड्रीज पूछ लेते हैं, तो दोनों ध्यान में रखने चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी वॉज नॉट एन अली ऑफ द बीजेपी लेड एनडीए इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। इट वॉज डीएमके, राइट। तो फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द 2019 विनर ऑफ द $1,00,009 prize। यहाँ पे है अनी जायद, ये बिल्कुल करंट अफेयर से आया है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, इन जून 2019 पेप्सिको इंडिया प्रपोज टू इन्वेस्ट $70 million टू बिल्ड ए फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट इन उत्तर प्रदेश। ये भी करंट अफेयर से आया है, लास्ट सिक्स मंथ्स की करंट अफेयर पढ़ लीजिए। Who among the following won a silver medal in the equestrian event at the 2018 Asian Games? यहाँ पे है फौद मिर्ज़ा। तो ये भी स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर। एथ क्वेश्चन देखो, Who is the director of the film PM नरेंद्र मोदी? कौन है, उमंग कुमार। ये एक्चुअली करंट अफेयर में चल रहा था, इतना फेमस फिल्म बन गया तो इसलिए उसके बारे में पूछ लिया। तो नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, On the occasion of the World No Tobacco Day on 31st May, which state banned e-cigarettes? तो वो कौन सा स्टेट था, राजस्थान। और टेंथ क्वेश्चन, Joint process of vaporization and condensation is called distillation. ये तो आता ही होगा आप सभी लोगों को। 11th क्वेश्चन देखो यहाँ पे, which of the following metal has an ore named galena? galena कौन सा ore है, लेड का। द भूपेन हजारिका सेतु ऑल्सो कॉल्ड डोला सादिया ब्रिज विच कनेक्ट्स असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये एक्चुअली थोड़ा मुश्किल सवाल आ गया यहाँ पे। एंड 13th क्वेश्चन देखो यहाँ पे, पंचवती ये की पार्ट ऑफ द वाल्मीकि रामायण इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये थोड़ा एक्चुअली थोड़े क्वेश्चन होते हैं जो हर किसी को नहीं आता, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है ऐसा समझ लीजिए कि बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरा क्वेश्चन नहीं आ गया तो मैं यहीं दुखी हो जाऊँगा, आपको बढ़ते जाना है। एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो ऐसे बैठना नहीं है, आगे चलना है, समझ रहे हो ना। 14th वन देखो यहाँ पे, एंड द न्यू यूनियन कैबिनेट ऑफ 2019 द प्रोटोफोलियो ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वॉज एलोकेटेड टू कौन, नितिन जयराम गडकरी, राइट। तो 15th क्वेश्चन देखो, रानी की वाह द क्वीन स्टेप वेल विच इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज लोकेटेड इन गुजरात। ये देखो यूनेस्को के हर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये देखो रानी की वाह के बारे में पूछा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हुआ कि एक तो ये यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड किया गया और हमारे 100 rupees नोट है ना उसमें भी प्रिंटेड है ये रानी की वाह। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। During the passage of the Royal Titles Act 1876, the office of the British Prime Minister was occupied by whom? Benjamin Disraeli. So, 17th question देखो यहाँ पे, What is the full form of GSTIN in relation to GST?
तो यहाँ पे फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर GST। यहाँ पे एक्चुअली SSC के लिए GST टॉपिक थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो GST के बारे में आप पढ़िए, थोड़ा फुल फॉर्म्स पढ़ लीजिए और थोड़ा उसके बारे में पढ़ लीजिए कब हुआ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पान सिंह तोमर हु वॉज अ 7-time नेशनल चैम्पियन वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। ही वॉज स्टिपली चेज, स्टिपली चेज से रिलेटेड है। करंट अफेयर के पर्सन के बारे में बहुत पूछा जाता है कि कौन सा पर्सन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज गूगल इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी। ये तो आप सबको पता होगा, 1998। 20 क्वेश्चन देखो, ये मैंने बोला था कि गवर्नमेंट स्कीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मई 2019, ये तो करंट अफेयर की है, इन मई 2019 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम विद अश्योर्स मिनिमम ₹3,000। नहीं, क्वेश्चन देखो, मिनिमम मंथली पेंशन टू ऑल द शॉपकीपर्स रिटेल ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन दैट अटेन द एज ऑफ 60, हाउ मच इज़ द पेंशन अमाउंट। अच्छा, इट इज़ 3,000। एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट है 2,000-3,000 से कुछ ज़्यादा तो देती नहीं है किसी को, तो आपको ईजिली कर सकते हैं यहाँ पे 3,000। तो 21 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू द रनिंग डाउन और पेमेंट ऑफ ए लोन इन इंस्टॉलमेंट, इट इज एमरटाइजेशन। 22 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गामा रेस। तो 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट्स नेपाल फ्रॉम भूटान, इट इज सिक्किम। दोनों के बीच में देखो, नेपाल एंड भूटान के बीच में सिक्किम आता है आपका। तो 24 क्वेश्चन, अ रीजन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी वेयर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा कैन बी स्टोर्ड फॉर रैपिड एक्सेस इज कॉल्ड कैची। आप सबको पता होगा ये वाला। तो आपका हमारा लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ कामायानी द एपिक पोएम दैट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेसी वर्क्स इन हिंदी, इट इज़ जयशंकर प्रसाद। एंड ये एक्चुअली थोड़ा पोएम्स एपिक्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, आप सबको बुक्स एंड ऑथर्स भी पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। एंड विद दिस आई रैप अप। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को। और ऐसे ही वीडियोस के लिए, आपको मोर वीडियोस लाइक ट्रिक्स का वीडियो बना रही हूँ, आपको वो वीडियो कैसी लग रही है, ऐसे ही आपको स्टैटिक GK में ट्रिक्स भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फील फ्री टू कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।